भाई 22 लाख का प्राइस टैग देख के लग रहा है भाई टाटा कर्व कितनी ओवर प्राइस्ड है भाई। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, पूरी वीडियो देखो, आपको देखकर पता चल जाएगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द वीडियो। भाई फाइनली टाटा कर्व आपके नीरेस्ट डीलरशिप में आ चुकी है और भाई हम भी भाई इसके अनवील पे गए थे और लिटरली भाई मेरे फर्स्ट इंप्रेशन है भाई, मतलब क्या गाड़ी बनाई है पीछे से, मतलब इतनी सुंदर लग रही है ना, लिटरली लैम्बोर्गिनी उरुस लग रही है भाई पीछे से। चलो एक एक करके हर चीज़ की बात करते हैं, कुछ चीज़ें मेरे को पसंद भी नहीं आई इस गाड़ी में। चलो फर्स्ट अगर मैं आपको फ्रंट से बताऊं भाई, लिटरली आपको पता ही नहीं चलेगा टाटा नेक्सॉन है या फिर कर्व, अगर आप बहुत ज़्यादा गाड़ियों की नॉलेज रखते हो अनटिल। पर भाई अगर आप फ्रंट से बात कर लें, आपको कनेक्टेड DRLs मिल जाएंगे विद भाई कनेक्टेड मतलब प्रोजेक्टर हेडलाइट्स के साथ, पूरा आपको LED सेटअप मिलने वाला है और भाई एग्जैक्टली सेम आपको नेक्सॉन ही लगेगी। पर तब भी भाई थोड़ा सा मेरे को इसका बोनेट ना नेक्सॉन से बड़ा लग रहा था। चलो भाई जो इसका मेन USP है ना इस टाइम, पीछे से बात करते हैं भाई, जो इतनी सुंदर लग रही है भाई, लिटरली लैम्बोर्गिनी उरुस लग रही है, मतलब इस बजट में एक नई सोच के साथ इस गाड़ी को निकालना बहुत तगड़ा स्टेप हो सकता है टाटा का। पर भाई वो देखते हैं मार्केट किस हिसाब से रिस्पॉन्स करेगी भाई। पर अगर मैं बताऊँ ना, मैंने इतना भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पीछे से इतनी अच्छी लगेगी, एट द एंड भाई पीछे से तो बहुत बढ़िया लग रही है। चलो भाई अब इसके बात करते हैं, इसको अगर आपको खोलना है इसमें आपको इलेक्ट्रिक टेलगेट मिल जाएगा जो कि भाई बहुत बढ़िया है भाई, मतलब बढ़िया फीचर लगता है विद भाई स्वाइपिंग के साथ, मतलब आप पैर नीचे स्वाइप करोगे तो उससे भी खुल जाएगा, पर मेरे खुल नहीं रहा था भाई। देख सकते हो आप इसका इलेक्ट्रिक टेलगेट कितना बढ़िया तरीके से वर्क करता है, स्पीड भी अच्छी खासी है और भाई इसमें आपको बूट स्पेस मिल जाएगी 500 लीटर की भाई, जो कूपे SUVs रहती हैं भाई उनमें आपको बूट स्पेस काफ़ी मिल जाता है। और भाई अगर प्रैक्टिकलिटी की बात करूँ वो भी भाई डिसेंट मिल जाएगी, आपको एक लाइट मिल जाएगी पर आपको दूसरी कार्स को चार्ज करने का एक बटन मिल जाएगा, यहाँ पर आपकी थोड़ी सी स्पेस आ जाएगी सामान रखने के लिए। और अगर मैं बात करूँ यहाँ आपको JBL का सबवूफर मिल जाएगा आपको, और भाई ओवरऑल देखा जाए काफ़ी प्रैक्टिकल है। और नीचे आपका स्पेयर टायर मिल जाएगा जो कि एक साइज़ छोटा है, और यहाँ पर टूल किट्स भी मिल जाएगी और आप बटन दबा के यहाँ से सीधा बंद कर सकते हो टेलगेट को, काफ़ी बढ़िया भाई। चलो अंदर चलते हैं, अंदर जाने से पहले भाई ये पैनल गैप मेरे को लग रहा था है, पर दोनों साइड इक्वली थी वो चीज़। भाई अंदर जाने से पहले मैं आपको इसका व्हील दिखा दूं, यहाँ पर आपको 215/60 R18 इंच, और बस मेरे को एक शिकायत है भाई, इनकी लुक यार कुछ खास नहीं है, ऐसा लगता है व्हील कैप चढ़ा दिए। इसके आपको ऑल न्यू दिखाते हैं डोर हैंडल्स जो कि काफ़ी प्रीमियम लग रहे थे, क्योंकि भाई इसमें आपको एक लाइट की भी प्लेसमेंट आ जाती है भाई। जब गाड़ी ढकी हुई थी ना वो बाहर से इतना तगड़ा लग रहा है, मैं तो इमेजिन नहीं कर सकता भाई रात में कितनी तगड़े लगेंगे इसके डोर हैंडल। पर भाई इसमें लाइट होने की वजह से काफ़ी हीट हो रहे थे, तो भाई देख लेना उसी हिसाब से। चलो अंदर चलते हैं। ये यहाँ अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, देखना अंडर साइड से फोटो कितना कम है, हाइट मेरी वो भी नहीं है और हेडरूम भी देखोगे कुछ खास नहीं है, 6 फुट का बंदा तंग होगा, मतलब अंदर से छोटी लगी है, देखना फिनिशिंग कुछ खास नहीं है, पर भाई पीछे ही है इस गाड़ी का मजा जो है ना। भाई इस गाड़ी का जो सबसे बड़ा नेगेटिव मुझे लगा ना वो थी भाई स्पेस। अगर मैं आपको एक एक करके दिखाऊं, सबसे पहले अगर आप यहाँ अंडर थाई सपोर्ट देखोगे ना भाई, मतलब इतनी परेशानी होती है, और लेग रूम भी कुछ खास नहीं था, 6 फुट के बंदे के हिसाब से, और हेडरूम भाई डिसेंट था वो भी कुछ खास नहीं था। पर यार जब बंदा 20 लाख की गाड़ी लेता तो ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करता स्पेस से रिलेटेड, क्योंकि यार सनरूफ भी एक जगह दे दिया तो उस चक्कर में हेडरूम कम हो गया है, कूपे SUV होने की वजह से भाई आपको थोड़े तो नेगेटिव झेलने ही पड़ेंगे। और भाई आपको 3-pointer सीट बेल्ट मिल जाएगी, इसी के साथ यहाँ पर आपको AC वेंट मिल जाएंगे भाई विद 45 वॉट के सी टाइप चार्जर के साथ, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ पर आपके कप होल्डर्स भी आ जाएंगे, 2 कप होल्डर विद आर्मरेस्ट, और भाई लेदर की सपोर्ट मिलने वाला। और अगर आपको डैशबोर्ड दिखा दो ना, काफ़ी प्रीमियम लगता है। एक ही समस्या इस गाड़ी के साथ, बहुत छोटी स्पेस है भाई, मतलब जो आपको स्पेस में दिक्कत लगने वाली है ना वो है भाई। और पैनारोमिक सनरूफ भी, नाम का पैनारोमिक है भाई, और अगर आप देखोगे ना रियलिटी में बहुत छोटा लग रहा था। इसी के साथ यहाँ आपके रीडिंग लैंप्स आ जाते हैं जो कि LED में, आपके साइड में आपका ग्रैब हैंडल आ जाता है, और यहाँ पर आपके 6 एयरबैग आ जाते हैं गाड़ी में विद एडजस्टेबल सीट बेल्ट। और अगर आप देखोगे ना भाई, यहाँ पर आपको मैगजीन होल्डर ही नहीं मिलता, वाह भाई वाह, मतलब ये तो बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ है। और इसी के साथ आप यहाँ देखोगे काफ़ी प्रीमियम टचेस मिल जाते हैं आपको गाड़ी में, ग्लॉसी वगैरह के, और क्रोम टचेस अच्छे मिल जाते हैं।
भाई अगर एक और बात करूँ, यहाँ पर आपको सिर्फ दो ही हेडरेस्ट मिल जाएंगे, थर्ड पर्सन के लिए कोई हेडरेस्ट नहीं मिलने वाला भाई, मतलब जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि यार स्पेस काफ़ी कम है। दो बंदे यहाँ पर कंफर्टेबली बैठ पाएंगे, जिसमें भाई अंडर थाई सपोर्ट का काफ़ी मोटा इशू है, और जो पीछे से लुक आती है ना कूपे वाली, वो काफ़ी बढ़िया लगती है। यहाँ पर कुछ आप रख सकते हो, बढ़िया लगेगा। चलो भाई आगे चलते हैं और एक एक करके हर चीज़ की बात करते हैं। भाई सबसे पहले तो भाई इतना प्रीमियम लगता है ना इसके इंटीरियर, यहाँ स्टेयरिंग व्हील आपको सफारी वाला मिलेगा, और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपका स्टार्ट स्टॉप का बटन आ जाएगा, यहाँ आपका टू पेडल टेक्नोलॉजी आ जाएगी, और यहाँ पर आपकी लेदर सीट्स आ जाएंगी। सीट्स मुझे कंपेरेटिवली छोटी लगी। यहाँ पर आपका आर्मरेस्ट आ जाएगा और इसके अंदर थोड़ी स्पेस आ जाएगी। यहाँ आपका वायरलेस चार्जर आ जाएगा और यहाँ आपका गियर नॉब आ जाएगा, बिल्कुल रेंज रोवर स्टाइल में मिलने वाला है। पार्क, रिवर्स, न्यूट्रल और ड्राइव मोड यहीं से मिल जाएगा आपको। यहाँ पर आपकी आ जाएगी पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड, और अगर यहाँ पर आपके आ जाएंगे ड्राइव मोड, सिटी, स्पोर्ट्स, इको, यहाँ पर आपका सनरूफ आ जाएगा। अगर मैं बात करूँ भाई इसका, यहाँ पर आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा 10.25 इंच का, और वहीं आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाएगा 10.25 इंच का, और सेम आपको मिलने वाला है भाई टिपिकल टाटा वाले इंटीरियर। अगर मैं बात करूँ भाई इनके ग्लव बॉक्स की, जो कि भाई क्या ही बात करें, इतना बड़ा ग्लव बॉक्स है, कुछ भी रख लो आप, आपको कूल्ड और एल्यूमिनेटर दोनों मिल जाएगा। इसके अलावा भाई आपको इसमें वेंटिलेटेड सीट्स भी मिल जाएंगी। भाई इसी के साथ भाई यही थे मेरे फर्स्ट इंप्रेशन जो मैंने इस गाड़ी में देखे और फील करे, और मैंने आपको बता दिया। बाकी हर चीज़ तो लॉन्ग टर्म में ही पता चलती है। इसके अलावा अगर मैं आपको प्राइस बता दूँ, ये आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है 17.5 लाख से और जाती है भाई 22 लाख से। ये आपका इंट्रोडक्टरी प्राइस है। इसमें आपको दो बैटरीज मिल जाएंगी, एक 45 किलोवाट की बैटरी मिल जाएगी और एक 55 किलोवाट की बैटरी मिल जाएगी। अगर मैं रेंज की बात करूँ, 45 वाले में आपको 502 किलोमीटर की रेंज क्लेम कही जाती है, और अगर 55 वाले की बात करी जाए वहाँ पर आपको 585 किलोमीटर की रेंज क्लेम करी जाती है टाटा के द्वारा। भाई अगर प्राइसिंग की बात करें, मेरे को प्राइसिंग बहुत सही लगी गाड़ी के हिसाब से भाई, और मुझे ये बेटर ऑप्शन लगता है एज़ कम्पेयर टू नेक्सॉन ईवी में। और अगर भाई बात करूँ मैं इसके थोड़े से सेफ्टी फीचर, ABS, EBD, ESC वगैरह आपको इसमें मिल जाएगा। इसी के साथ इसमें आपको 6 एयरबैग्स, 4 डिस्क ब्रेक्स भी मिल जाएंगी। भाई अगर मैं पावर फिगर्स की बात करूँ, 45 किलोवाट वाली बैटरी में आपको 148 BHP के साथ 215 Nm का टॉर्क मिल जाएगा, और 55 किलोवाट वाली बैटरी के साथ आपको इसमें मिल जाएगा 165 BHP 215 Nm के टॉर्क के साथ। भाई पावर भाई बहुत इनक्रेडिबल है, और भाई स्पेशली ईवी है तो गियर वगैरह का चक्कर नहीं है, और 0-100 भाई लिटरली 8.6 सेकंड में कंपनी क्लेम कर रही है। भाई आप बताओ कमेंट्स में ये गाड़ी आपको कैसी लगी। ये मेरे सिर्फ एक फर्स्ट इंप्रेशंस थे, वॉक अराउंड था। इसी के साथ होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू सो मच।